नमस्कार दोस्तों। वैसे तो भारत को परंपराओं और संस्कृतियों का देश कहा जाता है, लेकिन यहाँ कभी कभी ऐसी परंपराएं सुनने को मिलती हैं जो हैरान कर देती हैं। ऐसी एक परंपरा तमिलनाडु की है, ठलाई कूठल। गैरकानूनी तरीके से आज भी यह परंपरा तमिलनाडु के कई जिलों में जारी है। ये लोग पुलिस से छिपकर ऐसा काम करते हैं। ठलाई कूठल एक खौफनाक परंपरा है, जिसके तहत घर के ही लोग बुजुर्गों को अपने हाथों से मौत के घाट उतार देते हैं। इस दौरान गाँव के सभी लोग मौजूद रहते हैं। ये मौत किसी उत्सव से कम नहीं होती। हैरानी की बात यह है कि बैन के बावजूद चोरी छुपे तमिलनाडु में परंपरा निभाई जाती है। जब बुजुर्ग कोई काम करने में सक्षम ना हो, घर वालों को लगे कि ये सिर्फ बोझ बनकर रह गए हैं या उन्हें कोई लाइलाज बीमारी हो गई हो, गरीबी की वजह से किसी बुजुर्ग का इलाज न करवाया जा सके। यही नहीं, अगर किसी के पास बुजुर्ग की सेवा करने का समय ना हो तो भी उसे मार दिया जाता है। ये सब परंपरा सिर्फ नाम के आधार पर होती है। बता दें, इन बुजुर्गों को मारने के तरीके इससे भी खतरनाक हैं। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग को मारने के लिए मिट्टी मिला हुआ पानी तब तक पिलाया जाता है जब तक उसकी मौत न हो जाए। इसके अलावा गर्म तेल से नहलाने के बाद दर्जनों गिलास नारियल पानी पिलाया जाता है। इससे गुर्दे खराब हो जाते हैं और जल्दी ही बुजुर्ग की मौत हो जाती है। इसके अलावा ठंडे पानी से नहलाकर गर्म दूध पिलाया जाता है, जिससे हार्ट अटैक आ जाए। धन्यवाद।